माफिया अतीक अहमद के बाद अब कुख्यात अपराधी पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा पर प्रयागराज प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है। नैनी इलाके में पीडीए ने पूर्व ब्लॉक दिलीप मिश्रा के करोड़ों के अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक कुख्यात अपराधी दिलीप मिश्रा ने लगभग 800 वर्ग गज में बगैर नक्शे के मकान और मार्केट का निर्माण कराया था, जिस पर विधिक प्रक्रिया के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। कुछ समय पहले ही प्रशासन ने दिलीप मिश्रा की 12 कंपनियों को कुर्क करने की कार्रवाई की है, वहीं अब उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। ये कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शीटर हैं श्री दिलीप मिश्रा। इनके द्वारा प्रयागराज विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना तीन फ्लोर का 800-900 स्क्वायर यार्ड प्लॉट एरिया में अवैध निर्माण कराया गया था, जिसमें हॉस्टल और मार्केट के रूप में था। तो इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पारित किया है, जिसके क्रम में आज प्रशासन और पुलिस के सहयोग से इसको ध्वस्त कराया जा रहा है। माफिया दिलीप मिश्रा के मकान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद उनकी पत्नी ने प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर बड़ा आरोप लगाया है। दिलीप मिश्रा की पत्नी का आरोप है कि उनके मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नंद गोपाल गुप्ता नंदी के इशारे पर की जा रही है। उन्हें और उनके परिवार को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत प्रताड़ित करने की कार्रवाई की जा रही है। हॉस्टल को तोड़ा है, क्या कहना चाहती हैं? और ये बताया जा रहा है कि उसका नक्शा पास नहीं हुआ था, और भी कार्रवाई करेंगे, क्या कहना चाहती हैं आप? ये 18 साल पहले ये बना था, तब वहाँ ADA PDA कुछ भी नहीं, मतलब लागू नहीं था। और उसके बाद अब जब हम लोग को पता चला है कि वहाँ मतलब लागू हो गया, तो हमने कई बार मतलब अप्लीकेशन डाला है, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि जो पुराना वहाँ मतलब बिल्डिंग बना है उसका कोई वो नहीं होगा, जो नया बिल्डिंग बनेगा उसका नक्शा पास होगा। उन्होंने ये कहा है कि मतलब जो नई मतलब बिल्डिंग बनेगी उसका नक्शा पास होगा, जो पुराना मतलब बन रहा है उसका नक्शा नहीं पास होगा। और हमने कहा लिखित आप दीजिए, उन्होंने कहा नहीं लिखित हम लोग नहीं दे सकते, पुराने बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है। ये विकास भवन जो वहाँ गए थे, हाँ जी 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 जी। आज ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, क्या इसको लेकर के कोई नोटिस आप लोगों को मिली? जी नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं मिली, ना हमको कोई जानकारी है ना कुछ। ये जब गिरने लगा है तो हम वहाँ पे कई लोग थे, उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, तो हम गए हैं, हमने पूछा भी किस आधार पे गिर रहा है, आप हमें नोटिस दीजिए कुछ भी दीजिए। उन्होंने कहा कि कोई आधार मतलब कोई नोटिस ना कुछ ना मतलब नहीं है मेरे पास, आप डायरेक्ट मतलब अदालत से मतलब वो करिए, आप कोर्ट से आदेश करवाइए, हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, और हमें आदेश है हमको गिरवाना पड़ेगा। क्या मानते हैं इस पूरी कार्रवाई के पीछे, क्या वजह, क्या मानते हैं, क्यों इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? कुछ नहीं, राजनीतिक दबाव है, और हम तो डायरेक्ट कहेंगे कि नंद गोपाल गुप्ता के आधार पे मेरा बिल्डिंग गिर रहा है। बता दें कि दिलीप मिश्रा नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। साल 2010 में तत्कालीन बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर रिमोट बम से हमले का आरोपी है। उसके ऊपर लगभग 45 से अधिक संगीन मुकदमे यूपी और मुंबई में दर्ज हैं। हाल ही में प्रयागराज पुलिस ने उसका गैंग रजिस्टर्ड किया है। वर्तमान समय में वो फतेहगढ़ की जेल में बंद है। दिलीप मिश्रा को भदोही के ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का करीबी बताया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।